लास्ट क्लास में किया था, इशू ऑफ शेयर के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए थे, इशू ऑफ शेयर एट 12 प्रीलिम के दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। तो देखो कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर सबसे पहले बात की कॉल्स इन एरर होता क्या है। कॉल्स इन एरर काफी बार क्या होते हैं, काफी जो शेयर होल्डर होते हैं वो कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं करते। अब कॉल्स क्या थी कि हमने जो फेस वैल्यू थी उसको चार दो इंस्टॉल्ड तीन इंस्टॉल्ड में बांटा था, पहला अप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा कॉल्स। तो ये पैसा पेमेंट नहीं करते, कॉल का पैसा पेमेंट नहीं करते, कई बार अलॉटमेंट का भी पैसा पेमेंट नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरर। क्या होता है कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर का मतलब क्या है कि काफी बार कॉल्स का पैसा शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरर। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं अकाउंट्स के अंदर, एक बार हम कॉल्स इन एरर ओपन करके ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा होता है कॉल्स इन एरर शो ना करके। तो मैं इस तरीके से कराऊंगा, मेरा मेथड है कि मैं शो करूंगा कॉल्स इन एरर को, क्योंकि जब और से सीखने का क्वेश्चन करेंगे तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। तो मैं कॉल्स इन एरर का अकाउंट शो ओपन करा के फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो देखो कॉल्स इन एरर काफी बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन जो शेयर होल्डर है एप्लीकेशन का पेमेंट कर देता है, अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट कर देता है, कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं करता। तो ये जो पैसा पेमेंट नहीं किया उसको क्या डालेंगे कॉल्स इन एरर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं मैं। देखो नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, 10,000 शेयर्स है, इशू किए 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू है शेयर की ₹100, ₹100 फेस वैल्यू है शेयर की। उसके बाद एप्लीकेशन में मंगाया उसने ₹50, अलॉटमेंट में मंगाया उसने ₹30, कॉल के ऊपर 84 है इसके अंदर कितना मंगाया 20, टोटल कितना हो गया ₹100। क्वेश्चन में बोला 100 शेयर होल्डर 100 शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया, तो जितने शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया वो किसमें चला जाएगा कॉल्स इन एरर अकाउंट में। तो देखो क्वेश्चन होगा क्या, फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जो सबसे पहले एंट्री होगी क्या होगी, बैंक में, बैंक के अंदर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। तो फटाफट से करो, पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना आएगा 10,000 शेयर्स है, ₹50 मंगाया उसने एप्लीकेशन के ऊपर, तो बचा कितना 5 का मल्टीप्लाई कर कितना आया 5 लाख, यहां कितना आया 5 लाख। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास में आया है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिख देंगे बी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 5। ये दो एंट्री होगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होना है। तो थर्ड एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा ट्रू करेंगे, एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आया 10,000 शेयर्स, अलॉटमेंट में मंगाया कितना है
33 मंगाया मल्टीप्लाई बाय में 30 कितना आ गया 3 लाख रुपीस 3 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। फोर्थ एंट्री जो होगी वो अलॉटमेंट का पैसा आप क्या करेंगे बैंक में रिसीव करेंगे क्रेडिट पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिला था अलॉटमेंट में 3 लाख। 3 लाख वहां ट्रांसफर कर दे कहां दुनिया में बैंक में पैसा रिसीव हो जो ड्यू किया था हमने वो बैंक में रिसीव हो गया तो बैंक अमाउंट रिसीव बैंक अलॉटमेंट रिसीव। ठीक है फिफ्थ एंट्री देखो फिफ्थ एंट्री क्या है कॉल्स का रिड्यू करेंगे एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अमाउंट कितना है देखो 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 लाख। यहां कितना आ गया 2। यहां तक क्वेश्चन हम पहले ऐसे ही करते हैं। अब वो क्या हुआ जब हमने रिसीव करना था कॉल का पैसा तो 100 शेयर होल्डर ने हमें पैसा पेमेंट नहीं किया तो बैंक में क्या होगा पैसा कम रिसीव होगा कम होगा ना एंट्री पास होगी। देखो बैंक डेबिट डाल रहा था कि कॉल से एरर कहा लिखना है बैंक के टाइम का है एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल तो ड्यू कितना किया था हमने 2 लाख। ठीक है अगर कौन सी एरर है कितने शेयर होल्डर कौन से एरर में कितना अमाउंट देगा कितने शेयर होल्डर ने हमें कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया तो कितने शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया 100 शेयर होल्डर ने हमें 20 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं किया तो कितना आ गया 2000। अब 2 लाख में से 2000 हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे कितना आएगा 1,98,000 ये हमें बैंक में रिसीव रहेगा लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये वाली जो एंट्री है ये वाली आज देखी हमने ये वाली हंड्रेड कॉल्स इन एरर था टॉपिक था हमारा कॉल्स इन एरर क्या था कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर होता क्या है कि काफी सारे शेयर होल्डर हमें कॉल का पैसा टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन एरर अकाउंट पर। कब ट्रांसफर करते हैं जब रिसीव करते टाइम तो एंट्री पास करी हमने बैंक अकाउंट है कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू तो ड्यू के टाइम पे नहीं करनी है हमने करनी कब है जब रिसीव करेंगे उसके टाइम पे हमें कॉल की एरर की एंट्री पास करेंगे। ठीक है ये था फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन पढ़ाओ से देखो एक बार ये वाला कॉल्स इन एरर अब हमारा ध्यान क्या हो रहा है डेबिट। एक इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर रहा हूं क्या कि इन शेयर होल्डर ने 100 शेयर होल्डर ने यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम सेम डिटो बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर सा चेंज किया है कि इन 100 शेयर होल्डर ने कॉल के साथ का अलॉटमेंट का भी पैसा पेमेंट नहीं किया। ठीक है काफी बार अलॉटमेंट का पैसा भी पेमेंट नहीं करता तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 100 शेयर होल्डर नॉट पे नोट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन टाइम टाइम पे उन्होंने पेमेंट किया तो पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट भी पेमेंट नहीं की और क्या पेमेंट नहीं किया कॉल भी पेमेंट नहीं तो ये भी पेमेंट नहीं कर रहा ये भी पेमेंट नहीं कर रहा कितने शेयर होल्डर 100 शेयर होल्डर। तो देखो थोड़ा सा ये वाली एंट्री सेम होती है स्टार्टिंग से देखते हैं
एप्लीकेशन पे सेम एप्लीकेशन को सारा का सारा पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आया 5,00,000 रुपए। सेम एंट्री, ये भी सेम एंट्री होगी, ड्यू के टाइम पे सेम होगा। बस चेंज कहां आएगा, जब बैंक में रिसीव करेंगे, जब पैसा बैंक में रिसीव करेंगे तो छोटा सा चेंज क्या आएगा, हमें छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब देखो वर्किंग नोट ध्यान में ला रहा हूं, क्या वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट इस चीज का वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो क्या होगा, ड्यू ड्यू कितना किया था हमने, जो 3,00,000 रुपीज ड्यू कर रखे यानी कि 3,00,000 रुपीज माइनस में कितने शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहे अलॉटमेंट का पैसा, 100 शेयर होल्डर्स। तो नॉट पेड, कितने शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, 100 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, और कितने रुपए थे, 30 रुपीज थे। तो 30 इसमें से मल्टीप्लाई करके लेस कर दो, कितना आया 3,000 में से ये लेस करो 2,97,000 आएगा। तो बैंक के टाइम पे जो पैसा रिसीव होगा कितना रिसीव होगा, यहाँ देखो ये एंट्री में चेंज आएगा बस, बाकी एंट्री खाली सेम रहेगी। 2,97,000 बैंक के टाइम पे वही आएगा 2,97,000, ठीक है। तो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज हुआ था कि जो एप्लीकेशन का तो पेमेंट कर दिया शेयर होल्डर ने, ना ही कॉल का पैसा पेमेंट किया ना ही अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट किया। तो अलॉटमेंट एंड ड्यू तो सेम होगा, लेकिन हम रिसीव करेंगे ना तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। क्या एक वर्किंग नोट हमें छोटा सा बनाना पड़ेगा कि ड्यू कितना किया था हमने 3,00,000 रुपीज, और कितने शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, 100 शेयर होल्डर ने हमें 30 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं किया। तो माइनस कर दिया उसमें, टोटल कितना आया 2,97,000। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया 2,97,000, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया हमने सेम 2,00,000 रुपीज से, और अब देखो कॉल का पैसा भी पेमेंट नहीं कर रहा ना, तो यहाँ क्या आएगा कॉल्स इन एरर। अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एरर शो नहीं करते, आज उसको क्या करते हैं वर्किंग नोट में माइनस करके शो करते हैं। याद रखना अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एरर शो नहीं करना, उसको यहाँ वर्किंग नोट के अंदर माइनस करके शो करना है। ध्यान देते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कहां से आया है, वर्किंग नोट से आया, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कॉल्स इन एरर का। इसके बाद हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एरर हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, अब क्या है कॉल्स इन एडवांस। तो देखो कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, कॉल्स इन एडवांस, अगर कॉल्स इन एडवांस, एडवांस मतलब पहले पेमेंट कर देना, टाइम से पहले पेमेंट कर देना। तो देखो होता क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल इंस्टॉलमेंट, हुआ क्या कि कॉल का पैसा कई से होल्डर का पेमेंट कर देते हैं अलॉटमेंट पे, हाँ पेमेंट कर देते हैं अलॉटमेंट पे पेमेंट कर देते हैं, टाइम से पहले ना पेमेंट ना करके उन्होंने कहां पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, एडवांस पे पेमेंट कर देना, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन बनाता हूं सुना दो, नंबर ऑफ शेयर कोई सी नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि बेसिक क्लियर हो जाए हमारा बिल्कुल। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे 10,000, फेस वैल्यू और सेम हमारी रुपीज 100, एप्लीकेशन पे मंगाया 50 रुपीज, अलॉटमेंट पे मंगाया 30 रुपीज, कॉल पे मंगाया 20 रुपीज। तो अगली बार दो कॉल कर लेते हैं, एक फर्स्ट कॉल है हमारी, फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज की, सेकेंड कॉल कितने की बची, सेकेंड कॉल बची हमारी 15 रुपीज की, टोटल कितना हो गया हमारा 100। आगे क्वेश्चन में बोले बोलेगा 200 शेयर होल्डर पे होल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, समझे
सारा का सारा पैसा कब पेमेंट कर दिया उसने? अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दिया, मतलब बचा कितना? अलॉटमेंट तो किया ही किया उसने, जितना भी बाकी बैलेंस बचा था वो भी कहां पेमेंट कर दिया उसने? अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दिया। मतलब ये दोनों बोल्स, फर्स्ट बोल भी और सेकंड बोल भी, कहां पेमेंट कर दिया उसने? अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दी। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। देखो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए उठाया था कि बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमारे बेसिक क्लियर हो जाए ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक छोटी छोटी चीजें हम वहां इजिली हम कैप्चर कर पाए, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले एंट्री, पहले एंट्री होगी सिंपल, कोई एप्लीकेशन रिसीव करनी तो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो कितना पैसा, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन पे मंगाया कितना? 50 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय में 50, कितना आ गया? 5 रुपये। यहाँ कितना आया? 5 रुपये। ठीक है, फर्स्ट एंट्री नरेशन लिख लोगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। सेकेंड एंट्री जो होगी वो ट्रांसफर टू कैपिटल, लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख। 5 लाख से हमने क्या करके उसको ट्रांसफर करते हैं, बी एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री देखो ड्यू करना कर दो, किसी जोड़े ना हो रही है, पहले ड्यू करेंगे तो ड्यू के एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी आएगी देखो? 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 30, इसी तो मंगाए थे, कितना हो गया? 3 लाख रुपीज और 3 लाख अलॉटमेंट। अब जो मेन फोकस है हमारा वो फोर्थ एंट्री पे रहेगा, ये इंपोर्टेंट एंट्री देखना, बहुत काम आएगी। देखो हम करते क्या है एंट्री के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव करना है, बैंक में जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना कर रखा है? 3 लाख रुपए। यहाँ कितना लिख दिया? 3 लाख। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज बोली है कि 200 शेयर होल्डर ने सारा का सारा पैसा जो बैलेंस बचा था उसके पास अलॉटमेंट के बाद में, वो सारा का सारा पैसा ना पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दिया, तो अलॉटमेंट के बाद में बचा कितना हुआ? 20 रुपीज बचा हुआ है। तो 200 शेयर होल्डर ने 20 रुपीज ने अलॉटमेंट में पेमेंट कर दिए, तो क्या आएगा? कौन सी एडवांस हो गया। अब वो कौन सी एडवांस, डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं? बेसिक सी चीज देखना, जब पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक में रिसीव होगा, बैंक ज्यादा रिसीव होगा बैंक के अंदर, क्योंकि 20 रुपीज वो भी रिसीव हो रहा है, तो बैंक इधर पेमेंट तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे? बैंक हमारा बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? कॉल से एडवांस की वजह से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को रिसीव के टाइम पे क्या करना है? क्रेडिट करना है। कॉल्स इन एरर को डेबिट करना है, याद रखना है। क्या हुआ? टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कॉल्स इन एडवांस रिसीव कितना हो रहा है? 200 शेयर होल्डर थे, 20 रुपीज उन्होंने पेमेंट किया था ना, 20 रुपीज से 20 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 4,000। तो टोटल कितना आया? 3,04,000। ठीक है, ये 3,04,000, ये इन दोनों का टोटल कितना है? बैंक रिसीव कितना हो गया? 3,04,000। 3 लाख तो ये था, 4,000 एडवांस का पेमेंट कर दिया कॉल्स का, कॉल्स का एडवांस के नाम से लिखा, इन दोनों का एड करके नाम लिखा बैंक। अब फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री में करेंगे कॉल्स को ड्यू। तो फर्स्ट एंट्री पास करो फिफ्थ में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल, मैंने दो कॉल बनाई थी यहाँ पे, दो कॉल, तो
फर्स्ट रो के सामने फाइनल रो नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा शेयर फर्स्ट रो लगाऊं डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 5, कितना आ गया 5,000, यहां कितना आ गया 5,000। ठीक है, अब देखो रिसीव होगा कौन का पैसा, फिक्स्ड एंट्री के अंदर एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कम पैसा मिलेगा क्योंकि 200 शेयर होल्डर ने फर्स्ट फ्लोर का पैसा यहाँ पे पेमेंट कर चुका है, तो रिसीव जब आप कौन रिसीव करेगा उस टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा वो, तो यहाँ कर कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, पहले मिल चुका है ना पैसा, अब नहीं मिलेगा तो उसको क्या कर दिया हमने डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो फर्स्ट कॉल बेटी कितना कर रखा है 5,000, एडवांस में कितना आया देखो 200 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का कितना था 5 रुपीज थे, तो 5 से अकॉर्डिंग से पेमेंट कर चुका है वो, यहाँ कितना आएगा 1,000, इसमें से ये नेक्स्ट वन कितना आया 4,000 करने क्या हो गया रिसीव हो गया। ठीक है, सेवंथ एंट्री की सेकंड कॉल पे हमने बनाई है, तो पहले 6 एंट्री होती थी, जब कॉल के वहां बढ़ जाएगी कॉल बढ़ जाएगी दो कॉल होगी तो 8 एंट्री पास होगी हमारी, 7th एंट्री पहले क्यों करेंगे सेकंड कॉल, तो देखो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, देखो दो कॉल बनाई है एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्यों कर रहे हैं, तो ड्यू के टाइम पे क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 15, कितना आ गया 15,000, यहां कितना आया 15,000। ठीक है, आगे अपने चल एक चीज तो कितना आ गए 15,000। अब क्या होगा रिसीव के टाइम पे कॉल, रिसीव के टाइम पे 8th एंट्री कॉल रिसीव होगी तो बैंक में जाएगी, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल देखो कितने बेड्स कर रखे हैं 15,000 बेड्स कर रखे हैं, क्या लिखेंगे 15,000 और कॉल्स इन एडवांस में हमारे देखो सेकंड कॉल कितने की थी 50 रुपीज की, 200 शेयर होल्डर ने 50 रुपीज अलॉट के पेमेंट के टाइम पे पेमेंट कर दे, तो अब थोड़ी ना पेमेंट करेगा वो, यहाँ लिखेंगे 2,200 मल्टीप्लाई बाय में 15 कितना आ गया 3,000, और ड्यू कितना कर रखा है 15,000, 3,000 पहले से रिसीव हो चुका है तो अब कितना आएगा 12,000 आएगा, ये हमारी एंट्री। तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कि कॉल्स इन एडवांस कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर देता है कॉल्स का पैसा तो क्या ट्रीटमेंट। ठीक है,